कोई ब्लैक कलर की सैंडल दिखाइएगा। अम्मा मैं ये ब्लैक वाली सैंडल ले लूं? माँ मैंने घर पे ही बता दिया था मुझे काले रंग की सैंडल चाहिए, मेरे काले रंग के कपड़े हैं, ये मैं लूंगी। वो तूने तो कहा था। भाई इसके साथ का दूसरा जो पावा ना वो निकाल के दीजिए, मुझे चाहिए। आसी वो मुझे बाबा के कमरे की चाबी चाहिए। पागल हो गया है, अकल घास चरने गई है, हैं? छोरा तेरी जवानी दीवानी हो गई है। वाह मासी वाह, हैं? तू तो डांटती भी ऐसे जैसे फिल्मों की नाम ले रही हो। आप अगर इजाजत दे तो मैं भी अपनी पसंद से नीलो को कपड़े दिलवा दूं। नहीं नहीं अम्मा, हम खुद चले जाएंगे। नहीं बेटा, अच्छी बात है अगर हारून साथ जा रहा है तो, अगर वो अपनी पसंद से दिलवाना चाहता है तो अच्छी बात है, और आजकल ऐसे ही होता है। अम्मा लेकिन प्लीज। अरे बेटा तुम हारून से इतना क्यों झिझकती? अरे तुम्हारे भाई जैसा है, और वैसे भी दो दिन के बाद तो इस घर का दामाद हो जाएगा ये। अच्छा है ना तुम लोगों के साथ चला जाएगा, जाओ बेटा ले जाओ। अम्मा लाफिज़। आराम से जाना बेटा। हाय हाय मेरी बावली बच्ची। अम्मा मैं ये सोच रही थी कि जब मेरी शादी हो जाएगी और मैं इस घर से चली जाऊंगी तो फिर तुम्हारी खिदमत कौन करेगा। मेरी बच्ची मैं भी यही सोच सोच के परेशान हो रही हूँ, तेरे जाने के बाद मेरा क्या हाल होगा ये मुझे अच्छी तरह से नजर आ रहा है। अम्मा, अम्मा। क्या हो गया, क्यों गला फाड़ फाड़ के चीख रही है? तुम्हारे कहने पे ना मैंने शहादत का फोन किया, मगर मगर क्या? मगर उस डायन ने फोन उठाया, और फोन उठाते ही ना मुझे वो सुनाई, अगर मैं बता दूँ ना तुम लोग कानों का हाथ लगाओगी। है सच्ची आपा? उसने मुझे इतनी मोटी मोटी गालियां दी है, मैं बता नहीं सकती तुम लोगों को। है नपो, सच कह रही है क्या? अरे पूरी बरादरी में तो उसके इखलाक के चर्चे हो रहे हैं। हाँ हाँ अम्मा, इखलाक के तो मैंने भी सुने थे, लेकिन ये सब ड्रामा है। अम्मा मुझे तो लगता है उसे लोगों को शीशे में उतारना बहुत अच्छी तरह से आता है, इसीलिए तो उसने मेरे शहादत को भी शीशे में उतार लिया है। आपा फिर तुम ऐसा करो कि उससे ना 2-3 महीने के इखलाक के कोर्स कर लो। अम्मा देखा इस बगलोल को, मेरा मजाक उड़ा रही है ये। नब्बो अगर शक्ल अच्छी ना हुआ करे ना तो इंसान बात अच्छी कर लेता है, जरा देख के बोला कर। आपा अगर तुम्हें खरीदारी की फिक्र है ना तो उसकी फिक्र तुम भी करो, अम्मा ना तुम्हें भी करा देंगी खरीदारी। अरे हाँ लो खरीदारी पे याद आ गया मुझे, अरे बाजार भी तो जाना है, बहुत सारी खरीदारी करनी है जाके। ओए अल्लाह कैसा खून सफेद हो गया तुम दोनों का, या अल्लाह मैं क्या करूं, मेरा तो कोई भी नहीं है। ओ, अरे फिकर क्यों कर रही है, वक्त आएगा ना तो तेरे लिए भी सब कुछ हो जाएगा। ये देखो ये लहंगा कितना अच्छा है ना, बस मैं शादी पे ऐसे ही लहंगा लूंगी। हाय हाय, अरे तुझे पता भी है ये कितना महंगा लहंगा है? अम्मा सिर्फ 70,000 का तो है। 70,000 का? ये कमबख्त
तुझे पता भी है कि 70,000 में कितने नोट होते हैं? मैं कैसी बातें कर रही हूँ? मैं कौन सा बैंक में जॉब करती हूँ जो मुझे पता होगा कि 70,000 कितने होते हैं? और वैसे भी तुम क्यों फिक्र कर रही हो? वो हारून है ना, उसने मुझे कहा था कि मैं और पैसे दूंगा तुमको। क्या मतलब हारून पैसे लाने वाला है? उसने मुझसे खुद कहा था कि तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए और पैसे दूंगा। अच्छा, अरे फिर हारून जब पैसे लाने वाला है तो मुझे क्या पड़ी भी है कि तुझे रोकूं मैं? अरे जाके वो अपनी सहेली के साथ जो कपड़े ले आना। अम्मा, पक्की वाली सहेली? ए नीलो, अरे क्या हो गया तुझे? शादी की खुशी में तैयबा को भूल गई? अरे वही तो है तेरी पक्की वाली सहेली। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक है, मैं तैयबा भाभी के साथ जाके ना शॉपिंग भी कर लूंगी, और हाँ अम्मा, वो ब्यूटी पार्लर की भी तो बुकिंग करानी ना, वो भी करा लूंगी। हाँ हाँ, जब दूल्हा मियां खुद ही पैसे दे रहे हैं तो फिर मुझे क्या जरूरत है रोकने की? अरे कपड़े लो, पार्लर में बुकिंग कराओ, चीजें लो, जूते लो, जो तुम्हारा दिल चाहे लो भाई, सब चीजें ले आइयो। अच्छा है ये लहंगा? हाँ, सादत, सादत, इतना खूबसूरत जोड़ा लेकर आए आप, क्या जबरदस्त कलर है इसका। आप यकीनन मेरे लिए लाए होंगे। थैंक यू सो मच। आपको पता है मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मेरे पास कोई ऐसा जोड़ा नहीं है जिसे पहन के मैं एकदम नई नवेली दुल्हन लगूं। मैं अभी पहन कर आई। अरे रुको, मैं तुम्हें अगली सैलरी पे इसी तरह का जोड़ा लेकर दूंगा। क्या मतलब आपका? मुझे दूसरा ला देंगे? ये किसका है? ये मैं नबीला के लिए लाया। देखा, वही हुआ, मेरा शक बिल्कुल ठीक था। वो यहाँ नहीं होते हुए भी यही होती है, मुझसे ज्यादा तो उसका जिक्र होता है। सुधरा, आराम से बैठकर बात करते हैं। क्या बात करूँ, बोले क्या बात करूँ अब मैं आपसे? आपने साबित कर दिया कि मुझसे ज्यादा आप उससे प्यार करते हैं। जब भी तो देखे, शादी को इतना अरसा हो गया लेकिन आप अभी भी उसे कपड़े ला ला के दे रहे हैं। हंसे मत, आप मजाक उड़ा रहे हैं आप मेरा, मुझे दुख देख के आप यहाँ पे हंस रहे हैं। हंस तो मैं इसलिए रहा हूं कि तुमने हकीकत से यकसर एक मुख्तलिफ कहानी बना डाली। वैसे मान गए तुम्हारे दिमाग को, शक करने में तुम बहुत आगे हो। अरे भाई, नबीला की बहन की शादी है इसलिए लाया हूं मैं ये जोड़ा। इत्माद नाम की कोई चीज भी होती है कि नहीं होती? आ जाती है भाभी। अम्मा भाभी आ गई। हाँ जी अम्मा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, वो मैं कह रही थी कि वैसे तो सारी तैयारियां हो गई हैं, एक शादी का और वलीमे का सूट रह गया है। और वो क्या कह रही थी? हाँ वो पार्लर की बुकिंग भी रह गई, बस वो जरा करवा लो अब तुम। अम्मा, मैं आप लोग के साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैंने तो गलती की आप लोग के साथ जाके, मुझे क्या मिला सिवाय टेंशन के और ख्वारी के? जो चीज मैं पसंद करती हूँ वही नब्बू आपा खरीद लेती है, ये कोई बात ही भला? तैयबा, अरे क्या पटर 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 बोले चली जा रही हो? पहले मेरी बात तो सुन लो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वो भाभी, तुम ना अम्मा की बात का मतलब नहीं समझी। अम्मा ये कह रही है कि तुम और मैं जाके शॉपिंग भी कर लेंगे, और हाँ वो अम्मा वो पार्लर की बुकिंग भी करा लेंगे, सिर्फ मैं और तुम। नब्बू आपा को लेके नहीं जाएंगे, वो तुम्हारे साथ चिरान करती है ना, इसलिए। अच्छा ठीक है नीलो, फिर ठीक है। हाँ हाँ, ठीक क्यों नहीं होगा, तुम्हें मौका जो मिल जाएगा इन सबको बहकाने का। अरे चोरी चोरी चुपके चुपके मेरी माँ को और बहन को बहकाती हो, मीटिंगें करती हो मेरे खिलाफ। तुम जो जैसा होता ना वो वैसे ही सोचता है। तैयबा बेटा, तुम जाओ, जाके अपने कमरे में बैठो, मैं इसको संभालती हूँ, जाओ शाबाश। संभाली लेने तो बेहतर होगा, वरना ऐसे लोग ना बड़े खतरनाक साबित होते हैं।
खतरनाक, तो मैं तुम्हें बताती हूँ ना। अरे तुझे कुछ शर्म हया है कि नहीं है? अरे कभी तो अपनी इस लल्लो को अंदर रख लिया कर मुंह के, कमबख्त कहीं की अच्छे खासे माहौल का बेड़ा गर्क करना तुझे अच्छी तरह से आता है। अरे कुछ तो शर्म कर, क्यों उस मासूम के पीछे लगी रहती है जबकि उसका मियाँ भी यहाँ नहीं है। इतनी मुश्किल से तो उसका दिल बहलाती हूँ मैं, और तू है कि ये किराए पे पानी फेर देती है कमबख्त। अल्लाह, मासूम हो गई आपकी ये बहू, तौबे अब्बा देख सारे मुझसे बदल गए। अरे या तो हक की बात कोई भी करे, किसी को पसंद ही नहीं आता। या अल्लाह मैं क्या करूं, कहा जो मेरी बोलने से बात नहीं आती, मैं क्या करूं, मैं आपके घर आके बैठ गई। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू अल्लाह। ये लीजिए चाय। थैंक यू। इधर देखो, तुम्हारा ये अहमकाना रवैया, तुम नहीं जानती कि मुझे कितनी तकलीफ दे रहा है। अच्छी तरह जानती हूँ, सब ऊपर ही ऊपर है, फिर ना परवाह आपको सिर्फ उसी की है। उफ, सिद्रा, तुम्हारा नरम रवैया और तुम्हारी समझदारी तो मुझे पसंद थी, मगर अब क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा बिला वजह का शक करना, रोज की लड़ाइयां मुझे तंग कर रही है। ना सिर्फ तंग कर रही है बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम खुद मुझे उसके हवाले कर रही हो, उसको अहमियत दे रही हो। कम अज कम इतना तो ख्याल करो कि जितना तुम उसके बारे में सोचोगी, जितना उसको सवार करोगी, तुम उतनी उसको अहमियत दोगी। देखो, वो जहां कल थी वो आज भी वहीं पे है, उसके झगड़े करने से तुम्हारी जगह नहीं बदल सकती, और ना तुम्हारे झगड़े करने से उसकी जगह बदल सकती है। जानती कि उसकी जगह कितनी मजबूत है, मगर तुम ये नहीं जानती कि तुम भी वही कर रही हो जो वो किया करती थी। क्या फर्क है तुम्हें उसमें? तंग आ गया हूं मैं। अम्मा, अम्मा देखो, हम शॉपिंग करके आ गए। अरे वाह वाह, इतनी सारी। अरे वो हारून कहाँ है? क्या वो तुम लोगों के साथ नहीं गया था? अम्मा, हारून ने तो दिलाए ना, देखे देखे ये कितने प्यारे शरारे। वो असल में ना हारून को कुछ जरूरी काम था तो इसलिए वो बाहर से ही चले गए। अच्छा अच्छा, हाँ ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई। अम्मा ये शरार तो देखे ना, ये भी हारून ने दिलाया है। अरे तैयबा बेटा, तुम क्या लाई हो, वो भी तो दिखाओ। अम्मा भाभी तो कोई कपड़ा ले ही नहीं रही थी, इनको भी जबरदस्ती ना हारून ने ही सारे कपड़े दिलवाए। हाँ अम्मा, आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था शॉपिंग करने का। ला लो बेटा अपने कपड़े तो दिखाओ, क्या लाई हो। बहुत अच्छा है। तैयबा बेटा, मूड क्यों खराब है तुम्हारा? कुछ नहीं अम्मा, बस थक गई हूँ मैं। हाँ ये तो है भाई, कपड़े तो तुम बहुत अच्छे लाए हो। है ना? तैयबा ब्यूटी पार्लर का हो गया? अरे अम्मा ब्यूटी पार्लर नहीं भाई, वो ब्यूटी पार्लर होता है। अरे हाँ हाँ, वो ब्यूटी पार्लर ही हो गया ना बेटा उसका? अम्मा बिल्कुल परेशान मत हो, मैंने सब बात कर ली। हाँ तुम्हें पता है अम्मा, तैयबा भाभी को ना मेकअप के बारे में सब कुछ मालूम है। उन्होंने मेरा फेशियल, मेहंदी और वो मैनिक्योर और पेडिक्योर उस सब की बुकिंग करा दी। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि मेरी बहू तो है इतनी समझदार। अरे इसीलिए तो तुम्हारे साथ भेजा था ताकि ये सब कुछ कर कर आए। अम्मा मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लो। हाँ हाँ बेटा जाओ, जाके आराम करो, बल्कि मैं अभी चाय बनवा के भेजती हूँ नब्बो के हाथ। जा शाबाश। माय गॉड, ए नीलू ये देखो, ये कितना अच्छा है ना। बहुत प्यारे। अबे यार ये किस अजाब में फंस गया हूँ मैं, अंदर कलर हो रहा और यहाँ ये सामान बिखरा पड़ा, ये कौन उठाएगा? हाँ भाई। सर कलर का सामान खत्म हो गया, लेके आना है। अबे भाई तू दीवारों को कलर कर रहा है या पिला रहा है? सर आपके सामने ही हो रहा है। अबे हाँ हाँ दिलवा दूंगा, 10,000 का बिल बना के 20,000 रुपए ले लूंगे मुझसे। अच्छा ये बताओ कलर कितने का है?
7-8 हज़ार रुपए का आएगा कलर का सामान। अबे तेरा दिमाग तो खराब नहीं है, 7-8 हज़ार का कलर इन दीवारों पे करना है, 7-8 हज़ार का करेगा? चले काम कर, 5-600 वाला लड़के कर दे बस, जा ले आ। हाँ भाई दूल्हे मियाँ, क्या चल रहा है? लगता है मेरा यार आज पूरे इत्मीनान से बारात लेकर जाएगा। पर ये क्या, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? अबे छोड़ना यार, ये माँ बेटियां तो पीछे ही पड़ गई हैं मेरे। लगता है इस बार कोई मोटी फरमाइश कर दी है मेरे यार से। लगता है खुद को बड़ा होशियार समझती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनका पाला किस डेढ़ होशियार से पड़ा है। देखना तू, एक एक पाई सूच समय दूंगा मुझे। आज तो सादत ने मेरी आंखें ही खोल दी, मैं खुद ही उन्हें मौका दे रही हूं कि बस चुड़ैल के करीब हो जाए। मगर ये भी तो खड़ा सच है कि सौतन का एहसास ही दिलो दिमाग तक कड़वा करके रख देता है। लेकिन कुछ भी हो सितरा, कम से कम मुझे अपनी जुबान पर इतना काबू रखना होगा कि सादत का दिल मुझसे खराब ना हो, कहीं मेरे पार पर झगड़ने से वो सच में मुझसे उकता ना जाए, मुझे छोड़ ना दे और वापस नबीला के पास ना चले जाए। नहीं, मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो, बैठो बैठो। शुक्रिया आंटी, आपने मुझे बुलाया था। हाँ बेटा, वो मैं जरा शादी के हवाले से बात करना चाह रही थी। जी जी बोले। बेटा देखो, जहेज तो हम नीलों को दे नहीं रहे, छोटा मोटा फर्नीचर और दो चार कपड़े ही दे रहे हैं। आंटी मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। बेटा ये तुम्हारा बड़ापन है, जीते रहो, लेकिन अब बेटी को खाली हाथ तो रुखसत नहीं कर सकते ना, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है। जैसे आपकी खुशी। हारून बेटा, वो मैं ये सोच रही थी कि माई और मेहंदी अगर हम एक साथ ही रख लेते तो ज्यादा अच्छा होता, इससे ना तुम पर बोझ पड़ेगा और ना हम लोगों पर। हाँ ये भी ठीक है, पर आंटी जैसे आपको मुनासिब लगता है ना। अभी चेक करती हूँ कि नबीला बेगम सादत को कितनी कॉल्स करती है। वैसे हद है सिद्रा, अब तुम मेरा मोबाइल चेक कर रही हो, बुरी बात है। लोग सही कहते हैं कि औरत की जबान काबिल इतबार नहीं होती, और लोग ये भी सच कहते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसी औरत नहीं होगी जो बर्दाश्त कर सकती कि उसके शौहर के साथ कोई भी औरत शराकत करे। सिद्रा, नबीला ने तुम्हारे शौहर को नहीं बांटा है, बल्कि तुमने उसके शौहर के साथ शराकत दारी की। कितनी बुरी बात है ज़ादत, आपको क्या हो गया है? आप मुझे हर वक्त इस किस्म के ताने देते रहते हैं, जैसे मैं आप दोनों के बीच में आ गई या मैंने जबरदस्ती शादी की हो आपसे। सिद्रा, सिद्रा तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम छोटी छोटी बातों का इशू बना रही हो आजकल? जानती हूँ मैं, अच्छी तरह से जानती हूँ। अब आपको मेरी तमाम इश्यूज जो है ना वो बहुत बड़े लगने लगे हैं। मैं कैसे यकीन दिलाऊं सिद्रा, क्या कर दिया है मैंने तुम्हारा, इतना ख्याल करता हूँ तुम्हारा। चलो बस यही एक कसर रह गई थी, और आज आपने वो भी जता दिया कि आप मेरा ख्याल रखते हैं, ये भी आप मुझे ताने देंगे। सिद्रा तुम्हारे वहम का इलाज नहीं है मेरे पास। अच्छा
छटती रहो ऐसे ही। अब तो मेरी नाराजगी और मेरे रोने की भी परवाह नहीं है उनको। शादी के बाद नाच नखरे उठाने वाले सादत तो जैसे कहीं गायब ही हो गए हो। तबीयत कुछ अजीब बोझल सी हो रही है। मगर कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी। हाँ पता नहीं पर अभी क्या हो रहा है, मुझे अजीब घबराहट सी हो रही है। नब्बो मेरी एक बात मानेगी? देख बेटा एक फोन ना सादत को भी कर दे। इंसान को ना सुलह का एक दरवाजा खुला रखना चाहिए। और फिर वैसे भी शादी में कितने खानदान वाले आएंगे और सब आके यही पूछेंगे कि बड़ा दामाद कहाँ है।